नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात कुमार स्वागत करता हूं आपका पीडीएस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेने वाले हैं कल के मार्केट का व्यू और हम जानने वाले हैं दो स्टॉक जो कल आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकते हैं। दोस्तों आइए पहले हम लेते हैं, समझते हैं कि राजेश एक्सपोर्ट में हमने आपको क्या कहा था और राजेश एक्सपोर्ट ने क्या किया। देखिए जैसा कि हमने एनालिसिस किया था कि राजेश एक्सपोर्ट आपको उछाल में बेचना है जब ये 500 के आसपास आ जाए, जब इसमें 5-10 रुपए का उछाल मिले। यहाँ पे क्या हुआ थोड़ा सा ये समझते हैं। देखिए चीज़ें वही हैं, हमने आपको बताया था कि उछाल मिले आपको बेचना है, आज उछाल मिला। यहाँ पे देख रहे हैं आप, उछाल मिला और वहाँ से अच्छी खासी बिकवाली आई और वहाँ से एक अच्छा खासा डाउनसाइड रैली दिखाया। आई होप दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट में आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। देखिए राजेश एक्सपोर्ट में वॉल्यूम बहुत कम रहते हैं, लेकिन हमें जो मोमेंटम हमने एक्सपेक्ट किया था वो हमको एक मोमेंटम देखने को मिला। अच्छा बात करें HDFC बैंक की, दोस्तों HDFC बैंक हमने आपको बोला था 995 के ऊपर बाय करने को। देखिए जैसे ही 995 के ऊपर गया था इसने एक शार्प रैली दिखाई थी। देखिए दोस्तों चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी थी, क्या बताई थी कि यहाँ पे डबल टॉप लग चुका है 995 के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही 995 का लेवल क्रॉस होगा एक हमें शार्प अप मूव देखने को मिला। आई होप आपने सीख के समझ के प्रॉफिट किया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है। देखिए मार्केट लगातार एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, इसको थोड़ा सा पॉज लेना है। तो पॉज में लेने की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब अब हमें डिप में बाय करना है निफ्टी और बैंक निफ्टी को। देखिए ऑलमोस्ट बिल्कुल 10,000 के लेवल पे खड़ा हो चुका है निफ्टी, ठीक है। तो हमें ना डिप में बाय करना है। डिप कहाँ तक मिल सकता है दोस्तों? डिप आपको मिल सकता है 9900 और 9850 के आसपास मिल सकता है। वहाँ पे अगर आपको दिखेगा निफ्टी तो आप वहाँ पे बाय करके चल सकते हैं। हाँ ऊपरी लेवल्स पे नहीं बाय करना क्योंकि निफ्टी इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स काफ़ी चढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए बात करें बैंक निफ्टी की, तो देखिए बैंक निफ्टी भी एक अच्छा खासा मूव दे चुका है। बैंक निफ्टी ने 20,000, देखिए हमने एक बाप से कल बात कही थी कि जैसे ये 20,000 के लेवल के ऊपर जाएगा एक अपसाइड रैली देखने को मिलेगी। 20,000 के ऊपर क्लोज होके ही इसने क्या, 20,000 के ऊपर जैसे ही क्लोज हुआ इसने क्या दोस्तों, जैसे ही 20,000 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी एक अपसाइड रैली तुरंत हमें देखने को मिली। तो अब इसका इसको क्या तो अब इसको क्या करना है, डिप में बाय करना है, ठीक है। 20,000 के आसपास बाय करना है, ध्यान में रखना है कि 20,000 का लेवल प्रोटेक्टेड रहे। तो ये हमें कल कुछ देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट ना डिप में है बाय करने का, मैं बाय करने को डिप में कह रहा हूँ ना कि ऊपर लेवल पे। तो आई होप आप समझ गए हैं किस प्रकार का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। और देखिए दोस्तों जिस सिनेरियो की हम बात कर रहे थे, ये सिनेरियो ना अब मार्केट तोड़ चुका है, इसका मतलब मार्केट अब लिटरली अप ट्रेंड में है, आपको अब बाय ही करके चलना है। चलिए जान चुके हैं अपने मार्केट का व्यू, हम लेते हैं कल के दो स्टॉक के बारे में जानकारी, जानते हैं कल कौन से ऐसे दो स्टॉक हो सकते हैं जिसमें आपको एक मोमेंटम देखने को मिले। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते रहिएगा और जो भी नए मेहमान हैं वो सब्सक्राइब करती रहिएगा हमारे प्रभात ट्रेडिंग सर्विस चैनल को। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया तो कर लीजिएगा ताकि जो भी हम रिपोर्ट अपलोड करें वो आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा गिव अवे चल रहा है, 5 लोगों को हम ट्रेनिंग देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या करना है आपको, शेयर करना है जितना हो सके, हमारे सब्सक्राइबर 50,000 कंप्लीट करवाने हैं और आपको कमेंट करना है, तो करते रहिए और हम इसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे 50,000 सब्सक्राइबर होने पे। जो पहला स्टॉक है हमारी लिस्ट में उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज। देखो आरती इंडस्ट्रीज को हमें शॉर्ट सेल करके चलना है। क्यों शॉर्ट सेल करके चलना है समझते हैं। देखिए पहली बार तो आरती इंडस्ट्रीज ने एक क्रिटिकल लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दे दिया है। लेवल कितना है, ये लेवल है आपका 980 का, देख सकते हैं आप, ये जो लेवल है 980 का। दोस्तों अब 980 के आसपास जब कभी भी आपको छाल मिलता है आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। 980 क्या होगा आपका, 980 SL होगा। अगर मान लीजिए अगर 980 के ऊपर कोई कैंडल बंद हो जाए तो आप सिंपल निकल सकते हैं। जब तक 980 के नीचे रहे आपको शॉर्ट सेल करके चलना है आरती इंडस्ट्रीज को, ठीक है। और मान लीजिए थोड़ा बहुत उछाल मिलता है यहाँ पे, दो कंसेक्यूटिव यहाँ पे कैंडल देख के फाइंड आउट करके कमजोरी देख के आप यहाँ पे बेच सकते हैं, ठीक है। और आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रेश ब्रेकडाउन देके गया है, बिल्कुल फ्रेश ब्रेकडाउन एज यू कैन सी हियर। इसका टारगेट अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। दोस्तों जो दूसरा स्टॉक है हमारे लिस्ट में उसका नाम है इंडिगो। दोस्तों देखिए इंडिगो का आज रिजल्ट है, ठीक है,
और रिजल्ट इसके खराब आने की एक्सपेक्टेशन है, तो अब हमें इसके हिसाब से एंटिसिपेट करके चलना है। ठीक है, देखिए इंडिगो का एक बॉटम हमको दिख रहा है जो कि है 940 का। ठीक है, 940 का एक क्रिटिकल बॉटम दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो सिंपल सा। ठीक है, ये बॉटम है आपका, यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है इंडिगो ने बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अब देखिए अगर रिजल्ट खराब आते हैं तो 940 के लेवल के नीचे खुलेगा, अगर मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए गैप डाउन खुलता है 930 के आसपास, 920 के आसपास, वहाँ पे क्या करना है, एक कैंडल का वेट करना है। पुल बैक जब मिलेगा, जब ऊपर पुल बैक मिलेगा वहाँ पे आपको फिर जब कैंडल दो लोअर लो मिल जाए तब वहाँ पे आपको शॉर्ट सेल करना है, यानी जब गैप डाउन खुले 30 से 40 रुपये वहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं करना है। जब 40 रुपये मान लीजिए गैप डाउन खुले, जब 40 से 10-20 रुपये रिकवर हो जाए वहाँ पे आपको शॉर्ट सेल करना है, फिर वो और नीचे आने लगेगा। किस प्रकार का प्राइस एक्शन, जैसे मान लो ये नीचे खुला अब ये थोड़ा वो तो ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको शॉर्ट सेल करना है इस जोन में। आई होप आप समझ गए होंगे। ये हमारा कब सिनेरियो फिट होगा, जब हमारा रिजल्ट खराब आएगा। अगर रिजल्ट खराब आने के बावजूद भी अगर ये ऊपर साइड खुलता है, मान लीजिए अगर 955 के ऊपर अगर क्लोज होता है, अगर खुलता है तो यू कैन गो फॉर द बाय, फिर उसमें एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आप सब समझ गए हैं कि रिजल्ट के बेस पे हमको इसको ट्रेड करना। रिजल्ट अगर खराब आएंगे तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा खासा डाउन मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, और रिजल्ट खराब आने की ही एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, जैसे ही लेवल टूटा, जैसे ही 940 का लेवल टूटेगा, आई एम डैम श्योर इसमें एक तगड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी नीचे साइड। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं किस हिसाब से आपको इसमें रेंज प्ले करना है, और कल रेडी हो जाइए एक अच्छी खासी मूवमेंट के लिए इंडिगो में। वाइंड अप करता हूं मैं वीडियो। दोस्तों अगर आपको भी इसी प्रकार से टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, अगर आपको भी मार्केट में लिटरली सीख के पैसा कमाना है, हमारा ऑनलाइन टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी जिस चीज़ के लिए आप मार्केट में भटक रहे हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, ज्ञान बिना नर के क्या मथुरा क्या काशी। इसका मतलब ये है कि देखो अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप इधर से उधर भटकते रहोगे, तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ज्ञान लीजिए और अपनी लाइफ को सफल बनाइए।